शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है और वो गालिब है हिकमत वाला है। मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते? अल्लाह इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग अल्लाह की राह में ऐसे तौर पर सफ बांध कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार हैं, वो बेशक अल्लाह के महबूब हैं। और वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि भाइयों, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं। फिर जब उन लोगों ने कजरवी की तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूं, जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, उनकी बिशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है, और उससे ज्यादा जालिम कौन के बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चराग की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा खाह काफिर ना खुश ही हो। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे। मोमिनो, मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से नजात दे, वो ये कि अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको जन्नत के बागों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और पाकीजा मकानात में जो हमेशा की बहिश्त में है दाखिल करेगा। यही बड़ी कामयाबी है। और एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो यानी तुम्हें अल्लाह की तरफ से गलबा नसीब होगा और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को इसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों, अल्लाह के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा था कि भला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हो। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। सो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा। आखिर हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी, सो वो गालिब हो गए।